फ्रेंड्स, आज आप पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.6। इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिन लीनियर इक्वेशंस के सलूशन मिलते हैं उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनके सलूशन नहीं मिलते हैं उनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन की बात आई है, तो जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1i plus c1z is equal to d1, d1 क्या है, कांस्टेंट है। इसको लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। इस तरीके से जब कोई इक्वेशन दिया गया हो टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स, तो ऐसे युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। इसको मैट्रिक्स मेथड से सलूशन भी कहते हैं कि फाइंड द सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये a1x b1y में c1z थ्री वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट है a1 b1 c1 क्या है, कोफिशियंट कांस्टेंट है। ठीक है, a2 b2 c2। तो इस तरीके से x y z का वैल्यू निकालना हो तो हमें लगता है कि अगर और कोई सामान्य मेथड से सॉल्व करें तो काफ़ी लेंथी होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं बाई मैट्रिक्स मेथड तो ईजिली आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें जो कोफिशियंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, उनको सबको सेपरेटली रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे, a इंटू x इक्वल टू b में रिप्रेजेंट करना होता है, जहाँ a क्या है, ये वेरिएबल कोफिशियंट हैं। ठीक है, x क्या है, वो वेरिएबल्स ये दिए गए हैं x, y, z, और b क्या है, वही जो कांस्टेंट इक्वल में दिया जाता है वो कांस्टेंट है। अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें ax, मतलब a का x में इंटू कर दें, इक्वल टू b कर दें, तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मिल जाएगा। मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप a इंटू एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है, तो प्री मल्टीप्लाई अगर आप a इनवर्स का कर देते हैं तो a इनवर्स a इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा। तो इस तरीके से x क्या है, एक्चुअल में x क्या है, एक्स वाई जेड है, और a इनवर्स क्या है वो आपको निकालना है। अब b क्या है, a कांस्टेंट, जब मल्टीप्लाई करके इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि भाई मान लीजिए आप सोलूशन एक्स वाई जेड के निकाल रहे हैं तो कितने सोलूशन मिल सकते हैं। तो उसमें केस नंबर वन है कि अगर डिटरमिनेंट a नॉन जीरो हो, डिटरमिनेंट a नॉन जीरो हो, तो ऐसे केस में जो इक्वेशन मिलता है वो यूनिक सोलूशन मिलता है, मतलब एकमात्र हल मिलता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक, इसका केस नंबर सेकंड है, यदि मान लीजिए डिटरमिनेंट a जीरो हो, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, डिटरमिनेंट a जीरो कंडीशन में दो सब केसेस मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके लिए आपको एडजॉइंट a इंटू b निकालना पड़ता है। अगर ये नॉन जीरो होता है तो इनकंसिस्टेंट यानी कोई सोलूशन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन अगर एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू जीरो मिल जाता है तो इसके या तो अनंत हल मिलते हैं या कोई भी हल नहीं मिलता, मतलब इनफाइनाइट सोलूशन मिलने की संभावना होती है या नो सोलूशन, दोनों ही केसेस इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसको संगत या असंगत यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों की अवस्था कहते हैं ये इस कंडीशन में। ठीक है, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन कहता है, अभी हम क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में केवल आपको एग्जामिन करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं और 5 बता रहे हैं, दो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसमें से। तो आप देखिए दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, ये दिया गया है। हम सबसे पहले इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को a इंटू एक्स इक्वल टू बी के टर्म्स में लिखते हैं, जहां a क्या होता है, कोफिशियंट्स होते हैं, x का कोफिशियंट 1 है, y का 2 है। इस तरीके से 2 और 3 मिल गया, x क्या होता है, खुद एक्स वाई होता है, b क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म 2 और 3। तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट निकालने का होता है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट, 3 1 3, 2 2 4, -1 मिला, -1 का मतलब नॉन जीरो है, ये नॉन सिंगुलर है। ऐसे कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोलूशन। ठीक है, जब डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होता है तो आपका केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 के तहत क्या होता है, ये यूनिक सोलूशन देता है।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, ए एक्स इक्वल टू बी में लिखेंगे। ध्यान रहे इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स नहीं है। तो जब कोई भी वेरिएबल अब्सेंट होता है तो उसका कोफिशियंट 0 मान लेते हैं, मतलब 0, 2, -1 लिखेंगे। इसको आप देख सकते हैं ये है। तो यहाँ से ए का वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था इसमें एक्स कोफिशियंट नहीं है, तो 0, 2, -1। बाकी इसमें 3x था तो 3 हो जाएगा, -5y था तो -5 हो जाएगा, जेड नहीं था जेड की प्लेस पे 0 हो जाएगा, एक्स हो गया, ये एक्स एक्स वाई जेड हो गया, बी ए हो गया। डिटरमिनेंट ए को सॉल्व किया और देखा रिजल्ट क्या है, 0, मतलब ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर कंडीशन में अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फिर से आपने क्या किया, एडजॉइंट ए इंटू बी के लिए सॉल्व किया। तो एडजॉइंट ए सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होता है। तो ए 11 का को फैक्टर, मतलब ए 11 को फैक्टर, फिर से हम आपको बता दें फार्मूला क्या होता है को फैक्टर का। को फैक्टर का फार्मूला जो होता है इसको आप लोग भूलिए नहीं, केवल -1 की पावर रो प्लस कॉलम लिखा जाता है इंटू माइनस, माइनस का सलूशन, इंटू माइनस का सलूशन, जो भी माइनस का सलूशन। जैसे इस समय देखिए मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको, ए 11 का को फैक्टर तो होगा -1 की पावर 1+1 यानी -1 का स्क्वायर यानी प्लस, ये तो प्लस रहेगा, साइन बाहर क्या रहेगा, बाहर साइन रहेगा प्लस। अब अंदर जो माइनस का वैल्यू आएगा वो देखिए, 2 का 0 मल्टीप्लाई हो गया -(-+), तो -5 × 5 हो जाएगा, -5 प्राप्त होगा। 5 मल्टीप्लाई करेंगे -(-+) हो जाएगा, और जो नीचे से ऊपर का मल्टीप्लीकेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए -5 होगा। इसी तरीके से ईच एलिमेंट, मतलब 9 आपको को फैक्टर मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक का पूरा निकाल लिए। तो को फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमने किससे किया है, सी से किया है, को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, ये को फैक्टर है, लेट हमने किया, ठीक है। तो अब इसी का ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट मिल जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही है, कोई नया नहीं है आपके लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करता गया और रिजल्ट आपको ये मिल गया। तो रिजल्ट को देख करके आप कह सकते हैं कि भाई एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो है, इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट, नॉन जीरो पर इनकंसिस्टेंट होता है, जीरो होने पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। इस तरीके से आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इफ़ ए इक्वल टू, हालांकि भी क्वेश्चन इसमें 7 to 14 है, तो यहाँ पर है 7 to 14। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9, 10, 11, 12 है, 13 है, 13 है और ये 14 है। तो ये क्वेश्चंस ax इक्वल टू बी करने से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन ये भी है, इसको बता देने से इसमें डबल केसेस, डबल पार्ट है क्वेश्चंस के, मतलब ए दिया गया है, ए इनवर्स को निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैं 15 का ए इनवर्स निकालूंगा वैसे आप 7 to 14 का ए इनवर्स निकालेंगे। फिर क्या कहता है, इसी में एक क्वेश्चन और पार्ट लगा दिया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब इतना निकालने के बाद इसके यूज से ये निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको करा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, तो सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमिनेंट ए को सॉल्व करना। डिटरमिनेंट ए को सॉल्व किया और -1 रिजल्ट आया, तो इससे ये तो पता चल गया है कि नॉन सिंगुलर है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात हो सकता है। तो जब ए इनवर्स की कंडीशन को पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, तब हम क्या करते हैं, को फैक्टर निकालते हैं। इसमें हमने विधिवत को फैक्टर निकाला है, मतलब को फैक्टर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन में उसमें हमने शॉर्टकट कर दिया था, इसमें पूरा निकाला है। ए 11 का पहले साइन लिया प्लस, उसके बाद जो उसका माइनस आया वो ये टर्म्स है। ए 12 का साइन लिया, 12 क्या है, ऑड है, इसलिए माइनस, फिर इसका ये माइनस का सोल्यूशन है। इसी तरीके से 13 क्या है, पॉजिटिव, तो इनके माइनस का सोल्यूशन ये है। 21 क्या है, 21 क्या है, 2 और 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, तो ये ऑड हुआ, 8 का साइन नेगेटिव। फार्मूला वही है कि को फैक्टर इक्वल टू -1 की पावर रो प्लस कॉलम, मतलब ये जो साइन दिए गए हैं ये आल साइन किसको शो कर रहे हैं, ये जितने भी साइन दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक वो -1 की पावर रो प्लस कॉलम के टर्म्स हैं, और ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये सब माइनस का सोल्यूशन है, और ये इनके पूरा रिजल्ट जो है।
इस तरीके से कोफैक्टर का ईच एलिमेंट ए मिल गया, इसी का ट्रांसपोज कर दिया तो आपको एडजॉइंट मिल गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कर दिया, जिस तरीके से ये पूरा आ गया। ये देखिए 1 अपॉन -1 क्या है, यही डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है, -1 आपको पता है ऊपर -1 आ चुका है, यही डिटरमिनेंट ए का वैल्यू। और ये क्या है, पूरा एडजॉइंट। अब इस -1 का इसमें भाई मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट में -1 का डिवाइड कर देंगे, तो -1 का डिवाइड कर देने से आपको ए इनवर्स का ये टर्म्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है। डिवाइड करने से जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, ये टर्म मिल गया। फिर क्या, इसके बाद आपको यूज ऑफ दिस ए इनवर्स फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ फ्रॉम लीनियर इक्वेशन राइट इन द फॉर्म ऑफ ax इंटू बी। जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये आप पाओगे कि एक्चुअल में जो इसका ए है, माने 2 यहाँ है, -3 ए है, 5 ए है, इस तरीके से देखा जाए 3 ए है, 2 ए है, और -4, -1, -2 यहाँ पर सब कुछ वही है। तो कहने का मतलब ए इनवर्स आप जो यहाँ से प्राप्त करते वही ये भी है, इसीलिए कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसीलिए कह रहा है आपसे। तो फिर क्या, आपने इसको ए इनवर्स के रिजल्ट को यूज़ कर लिया ax बी लिखने के बाद, यूजिंग एबव रिजल्ट ए इनवर्स। तो आपको आपको पता है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, ये हमने अभी भी डिराइव किया है। तो x का वैल्यू xyz होता है, यहाँ से आपको ए इनवर्स का वैल्यू ये मिल गया, ये ए इनवर्स का वैल्यू जो आया हुआ है वो रख दिया, यूजिंग द एबव रिजल्ट लिखा है यहाँ पर। बी क्या है, ये जो आपका वैल्यू है बी। फिर हमने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ऑन सॉल्विंग यू कैन गेट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, इस तरीके से आपको ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो इक्वेट करके आप कह सकते हैं भाई x1 है, y2 है, z3। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है, वैसे तो आता ही है, तो निश्चित रूप से यहाँ से एक्स वाई जेड वैल्यू निकालने के बाद, जैसे ही आपका एक्स वाई जेड वैल्यू निकलता है, इस वैल्यू को आप यहाँ रख करके ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिए, यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई जेड मतलब एक्स क्या है 1 है, वाई क्या है 2 है, जेड क्या है 3 है, तो आप रख सकते हैं, ये 2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 ही आएगा। इस तरीके से तीनों इक्वेशंस में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तब आप समझेंगे कि आपने जो रिजल्ट निकाला है वो बिल्कुल सही है, जो वेरिएबल्स के वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। अब फ्रेंड्स, आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें कराना है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए आप पूरा जो भी मेथड्स लिखवाया गया उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और हमने आपको पहले ही बताया है कि आप स्टडी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और किसी को प्रॉब्लम हो तो पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर्सनल वीडियो मैं उनके लिए ऑनलाइन पर्सनल वीडियो भी बना सकता हूं, अगर उनको किसी कोई मैथ्स के बेसिस में देखो, मैथ्स तभी आता है जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो मान लीजिए अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो वीडियो ऑनलाइन या एक आध हफ्ते आप स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। बहुत वीक रहेगा तब एक आध हफ्ते, नहीं तो 2-3 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप चाहते हैं कि हमारा मैथ्स स्ट्रांग हो और हम अच्छे से पढ़ सकें, तो निश्चित रूप से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और एक बार मैथ्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप SB क्लासेस बाय विनोद सर विथ कॉन्टैक्ट नंबर विथ एंड व्हाट्सएप नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।